की गाना गवले जे ढोली चटना बा आ वही के सगाई आज पटना बा। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और बीते कुछ दिनों में यानी कि 3-4 दिन पहले या समझ ले तो 1 हफ्ते पहले से बहुत अच्छा न्यूज आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री से, और जो भी लोग जुड़े हैं भोजपुरी से वो लोग को मतलब सुन के बहुत ज्यादा खुशी हो रहा होगा। तो अगर आप नहीं जानते हैं क्या है वो खबर तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और नंबर 1 पे है पवन सिंह का ये गाना है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब गाना ट्रेंड कर रहा है और अच्छा भी है। और खास बात गाने की ये है कि ये गाना कहीं भी कभी बजा सकते हैं और इसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं है। तो गाना को आप पहले सुन लीजिए। अगर हम बताएं तो ये है सबसे बड़ी खबर कि एक गाना जो उसके लिए बहुत सारा विवाद हुआ और पीके आर ने जहर भी खा लिया था, ऐसा कुछ खबर भी निकल कर आया था। और उस गाने को सिंगर हमारे गाने वाले चंदन चंचल जी, जिनका आप लोग को पता नहीं होगा लेकिन उनका सगाई हो चुका है कल के दिन, और बहुत ही अच्छा मतलब मजेदार वहां पे क्या माहौल था। और जो भी मतलब समझ सकते हैं एक सिंगर के जब सेरेमनी में कोई आता है तो कितने सारे सिंगरों का जमावड़ लग रहा है, तो आप उनका एक छोटा सा क्लिप देख सकते हैं कि चंदन चंदन का सगाई हो गया है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो पहले क्लिप आप लोगों को देख लीजिए। की गाना गवले जे ढोली चटना बा, की गाना गवले जे ढोली चटना बा, आ वही के सगाई आज पटना बा। कैसा। और बात करने वाले बहुत सारे चीज है, लेकिन मैं खास करके एक पॉइंट रखा हूँ, नीलकमल सिंह का एक गाना है जो कि बहुत ही मुझे ज्यादा फेमस लगा। और हालांकि इनका सारा गाना बैक टू बैक मतलब अच्छा ही जाता है, और नॉर्मली इनका गाना तो मतलब इतना अच्छा लगता है कि सारे लोग सुन सकते हैं, और इनके गाने में कोई असली शब्द का मतलब प्रयोग नहीं होता है और सब लोग मौज मस्ती में। और खास करके इनका डांस स्टेप और इनका एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त आता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक इनका गाना दिखाया जाए और आपको भी मतलब लगे कि हाँ भाई मेरा भोजपुरी सुधर रहा है और मेरा भोजपुरी में जो गाने आ रहे हैं जबरदस्त आ रहे हैं और कहीं भी हम सुख सकते हैं और बेशरम मतलब लाज है शर्म करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए सुन लेते हैं कि नीलकमल सिंह का कौन सा गाना आ रहा है और सॉरी बज रहा है। और लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा ये होता है कि बहुत मतलब लोग कमेंट करते हैं, चाहे मैं भी कमेंट करता हूँ, सारे यूट्यूबर कमेंट करते हैं कि पहले जैसे भोजपुरी में फिल्म नहीं बन रहा है और भोजपुरी के फिल्म में कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही है, हॉल में भी नहीं लग पा रही है और जितना बजट में बनता है वो फिल्म मतलब कमाई भी नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक बता दूं कि भोजपुरी में एक ऐसा मूवी बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये बन भी रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ सक्सेस हो जाएगा 100%, ठीक है। और इस भोजपुरी के मेन लीड रोल में है रवि किशन जी, और रवि किशन जी को अगर कोई मेन रोल में रखेंगे तो ये समझ सकते हैं आप लोग फिल्म कितना सुपर डिपर हिट होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि उनको बहुत सारे लैंग्वेज से उनको पकड़ है और वो हमेशा मतलब साउथ इंडस्ट्री में आप लोग देखे होंगे और जिनके साथ में काम कर चुके हैं और बहुत सारे लैंग्वेज में उन्होंने काम किया और सफलतापूर्वक अपने एक्टिंग का पहचान दिया है। तो हो सकता है कि रवि किशन का ये प्रयास और भोजपुरी के वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो कि भोजपुरी के एक नए रोग की ओर मोड़ना चाहते हैं, हो सकता है अपने काम में सफल रहे। और मैं भी दुआ करता हूं कि भोजपुरी से अब कुछ ऐसा फिल्म और गाना निकले जो कहीं भी और कहीं भी बजा सके, सुन सके और गर्व से कह सके हाँ हम लोग बिहारी हैं और हमारी भाषा भोजपुरी है, ये हमारे इंडस्ट्री का गाना है। अगर फिल्म का नाम आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, फिल्म का नाम है महादेव का गोरखपुर, और जो कि आप पोस्टर हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये तीनों चारों जो आपको न्यूज मैंने बताया बहुत ही अच्छा होगा और भोजपुरी में कुछ नया बदलाव होगा। और हाँ, सबसे फेवरेट आपका कौन सा था आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे ही न्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा और ना ही हमारे मतलब वीडियो बनाने का मन करेगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए गुड बाय।